हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूँ सुमित सोनी। सो आप मेरे पीछे देख रहे हैं जावा 42 बोवर, और उसके ऊपर आपने एक स्प्लिट सीट लगी हुई देख ली होगी। जी हाँ, ये बाइक आती है सिंगल सीट के साथ। तो आज हम बात करेंगे जावा 42 बोवर की, और इसमें हम लगाएंगे डबल सीट। जिसको चाहिए वो लगवा सकते हैं, जिसको सिंगल सीट चलानी है वो सिंगल सीट चला सकते हैं। सो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यार, ज़्यादातर लोगों को यार इंडिया में डबल सीट चाहिए होती है, क्योंकि कोई ना कोई घर पर ऐसा ज़रूर होता है जो बोलता है कि साथ में बाइक का राइड करना ही करना है। तो चलिए आज हम इसके बारे में बात करेंगे, कैसे ये लगेगी, कहाँ से आपको ये मिलेगी और कितने की मिलेगी, और कैसी ये आपकी बाइक पे लगेगी। सो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही प्यारी बाइक कंपनी ने निकाली है सिंगल सीट के साथ, ये बहुत प्यारी लगती है। लेकिन यार, वो जो सीट हमने आज बनाई है वो भी आपकी बाइक की बिल्कुल भी लुक को ख़राब नहीं करेगी, और बहुत जेन्युइन काम हो रखा है इसके ऊपर। बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आफ्टर मार्केट है, कोई भी इसे देख के बता नहीं सकता कि ये कंपनी के बाहर से लगाई हुई है। तो इतना प्यारा कलर और डिज़ाइन निकाला है कि आपकी कंपनी की सीट से बिल्कुल मैच खाती है, और कोई बोल नहीं सकता कि आफ्टर मार्केट लगी है। तो आपकी जो ओरिजिनल 42 बोवर की सीट है वो कुछ इस तरीके की मिलेगी आपको। यहाँ पर देखिए, कलर ग्रे और ये थोड़ा सा लाइट ग्रे बोल सकते हैं, और डार्क ग्रे, तो इसका मैचिंग है। और ऐसा यहाँ पे डिज़ाइन गया है, और ये डॉटेड वाला यहाँ पे डिज़ाइन है, देख सकते हैं यहाँ पे जावा की ब्रांडिंग है। तो जो सीट हमने लगाई है उसकी आप एक बार क्वालिटी और फिनिशिंग देखिए, फ़र्क बताइए आप क्या है, कुछ भी नहीं है। सो कोई कह ही नहीं सकता यार कि कंपनी से ऐसा नहीं आ रही बाइक। ये देखिए और ये देखिए, बिल्कुल मैच खाते हुए। और जो स्टिचिंग का डिज़ाइन है वो भी बिल्कुल सेम। और यहाँ पे आपका डार्क ग्रे कलर है, तो डार्क ग्रे कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सीट आपके पीछे से देख रहे हैं, बाइक ऐसी लगेगी, बिल्कुल भी फ़र्क ही नहीं पता लग रहा कि यार ये सिंगल सीट है या डबल सीट है। साइड से आपकी ऐसी लुक आएगी, कोई फ्रेम नहीं दिख रहा इसका, कोई नीचे से कटिंग वगैरह नहीं करनी, कुछ भी ज़्यादा यहाँ पर एड ऑन नहीं करना जो कि आपकी बाइक को लुक को ख़राब करे। बिल्कुल ओरिजिनल जैसी ये सीट होने वाली है, और इसका जो फ्रेम है वो आपको दिख रहा होगा कि आगे वाले बोल्ट से ही कनेक्ट हो जाएगा आपकी बाइक में, और जो ओरिजिनल वाली सीट है वो बिल्कुल भी नहीं छेड़ेगी। ये कनेक्ट जो यहाँ से हो जाएगा, और दो बोल्ट यहाँ पे लगेंगे, यहाँ पे आपकी ब्रांडिंग है, और कुछ इस तरीके का इसका फ्रेम है। कितने मतलब स्टाइल के साथ साथ ये फ्रेम यहाँ पे दे दिया गया है। और गाइज, ये जो है ना, ये ऐसे ही नहीं दिए हुए, ये यहाँ पे आपका अगर आप चाहें तो इसमें बैक रेस्ट लगवा सकते हैं। दो तरह के यहाँ के बैक रेस्ट आपको मिल जाएंगे, वो यहाँ पे साइड में स्क्रीन पे आ रहे होंगे। अगर आप लगवाना चाहते हैं इसके साथ बैक रेस्ट, तो वो भी लगवा सकते हैं, क्योंकि यार लॉन्ग राइड पे बैक रेस्ट बहुत ज़रूरी है। और पिलियन के साथ आप अगर राइड करते हो तो बैक रेस्ट यार इस बाइक के हिसाब से होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे से सेंस की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और कोई भी हल्का काम नहीं है यार इस पर। आप 120 किलो का बंदा भी आराम से बैठा सकते हैं, 120 समझ रहे हो कि अच्छा खासा मोटा तगड़ा बंदा भी इस पर बैठ सकता है। बोल्ट जहाँ अगर आप बाहर मंगवाना चाहते हैं तो बाहर मंगवा सकते हैं, या फिर अगर आपको यहाँ पे आके लगवाना चाहते हो तो यहाँ पे भी लगवा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है। अब हम बात करें तो अगर पीछे वाला बंदा बैठेगा तो यार पीछे वाले बंदे को अपने पैर रखने के लिए भी तो जगह चाहिए ना, फुटरेस्ट भी लगे होने चाहिए। तो आपको इस सीट के साथ भी फुटरेस्ट भी मिलेंगे, जो कि रॉयल एनफील्ड में आते हैं। पीछे के फुटरेस्ट आपने देखे होंगे, ऑलमोस्ट सब जगह यार रॉयल एनफील्ड है, और सबको पता है उसके फुटरेस्ट कैसे होते हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन और है, अगर आप वो वाले फुटरेस्ट नहीं लगवाना चाहते तो एक प्रीमियम ऑप्शन और है, वो आपको दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके के यहाँ पे फुटरेस्ट देखने को मिलेंगे, ये देखिए। और जो भी बंदा यहाँ पे बैठेगा वो आराम से अपने पैर यहाँ पे कंफर्टेबली रख सकता है। कि ये जो सीट है यार काफ़ी इजी है रिमूव करने के लिए, मैं आपको आने वाली वीडियोस में दिखा दूंगा कैसे इसकी फिटिंग होगी। ये दो यहाँ से बोल्ट खुलेंगे, यहाँ से खुलेगा, तो कोई भी थोड़ा सा अगर काम जानता हो तो इस सीट को आराम से खोल सकता है। जब भी आपका मन करे सिंगल सीट चलाने का, सिंगल सीट चला सकते हैं, या फिर 10 मिनट लगा के आप डबल सीट अपनी लगा के लॉन्ग राइड या कहीं भी जा सकते हैं। तो हम सीट के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं यार। आपको इस सीट का जो प्राइस पड़ने वाला है वो 8000 अप्रोक्स के आसपास पड़ने वाला है, या फिर आपके पास ऑप्शन है प्रीमियम, आपको अगर फुटरेस्ट लगवाने तो 1250-1300 रुपये एक्स्ट्रा देके आप ये प्रीमियम फुटरेस्ट लगवा सकते हैं। दो ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे बैकरेस्ट के दे दिए हैं, बैकरेस्ट आपको 1000 से 2000 रुपए के बीच में मिल जाएगा।
जौन सा भी आपको पसंद हो वो आप लगवा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग राइड पे बैक रेस्ट होना जरूरी है बाइक में। तो मेरी मानोगे तो अगर लॉन्ग राइड पे जाने से पहले आप बैक रेस्ट जरूर लगवा लेना। तो कैसे अवेलेबल होगी ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ आपको ये मिलेगी वो भी मैंने आपको बता दिया, प्राइस मैंने इसका बता दिया है, कैसे ये फिटिंग होगी वो भी आपको आने वाली वीडियोस में पता लग जाएगा। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आ गई हो, अच्छी लगी तो लाइक कर देना। व्यू इतने आते हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं आते, सो प्लीज़ यार अगर आप यहाँ तक वीडियो पे आ गए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हमारा भी थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। सो मिलते हैं फिर ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।